तो गाइस आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बारीक से बारीक जो हमारे कण होते हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जिसको हम एकदम बारीक, एकदम मतलब एकदम बारीक, बारीक से भी बारीक, सबसे छोटा कण बारीक से बारीक है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन कहला रहा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है ये सारी इलेक्ट्रॉन ही होती है, और आसपास की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन होती है, बारीक से बारीक चीज़। ये पार्ट ऑफ साइंस है। पार्ट ऑफ साइंस में नहीं जाते हुए हम सीधा जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन से हम ये जानेंगे कि जितनी भी निगेटिविटी करंट में होती है, निगेटिव जो हमारा ग्राउंड होता है निगेटिव, तो ये गर्मी पैदा करता है, और जिसको हम वोल्टेज के नाम से जाते हैं, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो मतलब जो हमारा बहता है मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट हरकत हो रही है, जो माइनस जो है वो बह रहा है, काफ़ी स्पीड से बह रहा है, स्लो बह रहा है, नॉर्मल बह रहा है, तो उसको हम एम्पेयर में बोलते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है जो माइनस, तो जैसे कि हम कोई एक मोबाइल की बैटरी पकड़ो या लैपटॉप की बैटरी, कोई भी बैटरी, उसके अंदर में हम करंट को जब स्टोर कर रहे हैं, तो जो स्टोर हो रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसी को, उसी से क्या हो रहा है, हमारा वजन भर गया बैटरी के अंदर, वजन भर गया यानी कि चार्ज हो गया, चार्ज भर गया उसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में स्टोर हो गए। अब उसको हम स्टोर कर रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, यानी खर्चा भी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खर्चा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही स्टोर हो रहे हैं। मान लो कि अपन हाथ को, अपने हाथों को मसल रहे हैं, तो मसलते हैं तो क्या होता है कि गर्माहट पैदा होती है। तो मतलब हाथों को हम जब मसलते हैं, मालिश करते, तो एक हीट पैदा हो रही है, गर्माहट पैदा हो रही है। तो उसी तरह मोबाइल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ये जो करता है, वो वोल्टेज का बहना होता है, उसी तरह से ये इसको हम, यानी कि एक सेकंड में मतलब मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो हर्ट्स मतलब बोलते हैं उसको, एक सेकंड में जितने मूव हो रहे हैं उतने को हर्ट्स कहेंगे, मतलब एक सेकंड में। और जैसे कि हम ने एक एग्जांपल से समझे, तो जैसे हम स्विच को दबाते हैं, कोई भी बटन को दबाते हैं, तो मान लो फ़ैन के बटन को दबा रहे हैं, तो हमने फ़ैन की नीचे की बटन दबाए, लेकिन हमारा फ़ैन तो ऊपर है, तो वो ऊपर से जैसे ही दबाते हैं वैसे ही हमारा फ़ैन घूमना शुरू हो जाता है, डिपेंड ऑन स्पीड। तो वो फ़ैन घूम रहा है, तो पंखे तक जो एम्पेयर जा रहे हैं, फ़ैन में कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, वो हर्ट्स बताता है अपने को। तो मोबाइल को हम चार्ज कर रहे हैं, वोल्टेज, एम्पेयर, हर्ट्स, चाहे लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, तो इनपुट और आउटपुट ये हमको देखना होता है। तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज बोले तो एसी हो गया और डीसी हो गया, एसी और डीसी। अब इसके अंदर में और भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, उस जैसे कि माइनस करंट हो गया, बूस्ट करंट हो गया, हम वो बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमारा वो सब की ज़रूरत नहीं है अभी, मोबाइल वगैरह में के काम में इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती वो सब चीज़ों की, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो डीसी करंट जो है और एसी करंट, तो अपना काम जो है एसी और डीसी पर चलता है। तो डीसी करंट पर जो चलता है हमारा मोबाइल हो गया, तो एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज में कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव की स्पीड को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एम्पेयर बताता है कि कितनी स्पीड से बह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के बहने में जो स्पीड होती है वो एएम लिखा हुआ रहेगा, आपको देखना एएम लिखा हुआ दिखेगा आपको। और अगर बात करें एसी की, तो एसी करंट कम ज़्यादा हो सकता है, कभी 220 मिल रहा, कभी 250 मिल रहा, कभी वो कम ज़्यादा हो सकता है। और एसी का क्या है कि वो एक कि उससे अपना पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन ये वगैरह वगैरह चल जाता है, लेकिन डीसी का क्या है, डीसी मोबाइल वगैरह में तो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसके अंदर में उसका यूज़ होता है। और एसी वोल्टेज जो, एसी करंट जो है हमारा, फिर भी ठीक है, डेंजर नहीं उतना, क्योंकि वो चांस देता है अपने को बचने का, लेकिन डीसी करंट आपको बिल्कुल पकड़ लेगा, तो डीसी करंट जो है डेंजर होता है। ये हमारी बॉडी में याद रखना, 1 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक बॉडी को नहीं जलने देगा। जैसे कि हम चार्जिंग में मुंह में लगा के देखते हैं कि हाँ भाई अर्थिंग नहीं मारता है इतना, वो लोड नहीं है, और बहुत से लोग डीसी करंट को आसान समझते हैं, इजी है, कोई डेंजर नहीं है, बट एसी से ख़तरनाक डीसी होता है। याद रखना आपकी बॉडी 1 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक इसको झेल सकती है।
जलने नहीं देगा आपकी बॉडी को, बट इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मौका ही नहीं देगा, जान जाना ही है। एसी तो बर्दाश्त कर लेगा पर डीसी नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि एक वोल्ट से 80 वोल्ट तक के जो है हमारा डीसी करंट हाथ मतलब हमारा नहीं जलाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर 80 वोल्ट के ऊपर करंट हमारा डीसी लगता है हमारे हाथों में तो फिर वो 101% जला देगा। और ये डीसी करंट जो है क्योंकि डायरेक्ट करंट है वो आपको बचाने वाला, इसमें कोई नहीं रहता है। तो एसी में क्या है कि पल्स चलता है, पल्स जैसा कि आपको दिख रहा है पल्स एसी वाला, तो एसी में पल्स चलता है। और इसमें प्लस में क्या है, आप चपक जाएंगे और जैसे ही नेगेटिव आएगा तो आप छूट जाएंगे, प्लस में चपकते हैं आप और माइनस में आप छूट जाते हैं। तो एसी में पल्स चलता है और जैसे कि आपको जैसे पता है कि एक सेकंड में हमारा 60 बार यानी 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ इसका खेल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है एक सेकंड में 60 बार। तो बात डीसी की करें तो डीसी डायरेक्ट पर चलता है और एसी से ज़्यादा खतरनाक होता है, एसी से ज़्यादा खतरनाक होता है डीसी, क्योंकि एसी वाला जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी डायरेक्ट करंट है जो आपको मौका नहीं देता है छूटने का। और जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इसके अंदर में हमारे जो कंपोनेंट है तो डरने वाली बात नहीं है, ये तो हमारा डीसी पे काम करता है। तो जितने भी मोबाइल आते हैं ऑल टाइप के मोबाइल, उसके जो चार्जर आते हैं तो चार्जर में आईफोन हो एंड्रॉयड हो तो सबके एम्पेयर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो मोबाइल का जो वोल्टेज है वो उसके चार्जर पे जैसे 5 से 6 वोल्ट डीसी ही मिलेगा आपको, चाहे कोई भी चार्जर हो वो 5 से 6 वोल्ट ही मिलेगा डीसी। और अगर आपकी बैटरी अगर फुल चार्ज है तो 4.2 और अगर लो चार्ज है तो 3.7 और अगर आपकी बैटरी पूरी डेथ है तो 0.00 आपको मिलेगा। लेकिन जितने भी चार्जर की बात करें तो चार्जर आपको 5 से लेकर 6 वोल्ट वाले ही मिलेंगे और इसका जो एम्पेयर है वो अलग अलग हो सकता है, एम्पेयर तो 3 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, 5 उस एम्पेयर का कुछ नहीं, अब तो 5-5 एम्पेयर वाले भी आते हैं। लेकिन अलग अलग बैटरी में कैसा, लैपटॉप की बैटरी में 19 वोल्ट है तो उसका एम्पेयर अलग होता है, जो 5 वोल्ट है तो एम्पेयर 10 वोल्ट होता है, 10 एम्पेयर होता है। तो मतलब एम्पेयर कम ज़्यादा हो सकता है, वो तो स्पीड हो गई उसकी, एम्पेयर मतलब स्पीड, एम्पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की हमारी स्पीड हो गई। आपकी बैटरी कितने भी मेगा पावर की हो, चाहे 4000 4500 5000 10000 50000 कितने भी पावर की हो बैटरी आपकी, लेकिन जो उसका जो उसकी औकात है वोल्टेज की वो 5 से 6 वोल्ट ही, मतलब 5 वोल्ट 4.2 ही रहेगा उसका फुल चार्जिंग का। जो आप चेक करेंगे तो एक्यूरेट उसका वोल्टेज 4.2 ही बताएगा, चाहे वो कितने मेगाहर्ट्ज़ की भी हो, 5000 रहो 10000 रहो, चाहे कोई भी मोबाइल का हो, दुनिया की कोई भी बैटरी हो मोबाइल के फील्ड में, तो वो 4.2 उसका फुल चार्ज वाला है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर में बहुत अहम रोल होता है। तो हम जब भी बैटरी या हॉट टेस्टिंग की बात करें तो हमारे को मल्टीमीटर को 20 पे सेट करना पड़ेगा, 20 वोल्ट डीसी पर। और 20 वोल्ट डीसी पर सेट करने के बाद ये जो लाल कलर का जो दिख रहा है ये हमारा प्लस होता है और ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो हमारा माइनस होता है प्रॉब। तो इस तरीके से हमको डीसी मशीन डीसी 20 पर रख के चेक करना पड़ता है बैटरी को, और इसी मोड को हम हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। और जैसे कि यूएसबी हो गया, वहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलता है। और चार्जर की पिन हम जबान पे जिप पे लगाते, भाई जिप पे मत लगाया करो, जिप पे लगाना अच्छा नहीं है, नहीं तो अब एसी करंट को जिप पे लगाओ पता चल जाएगा, फिर आपकी जबान मल्टीमीटर का बाप बन जाएगी, फिर आप मल्टीमीटर का भी मज़ा चेक नहीं कर सकेंगे, आपका जबान का लुत्फ हट जाएगा। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मत खेलो, जैसी जिस तरह से एसी से आप डरते हैं करंट को छूने से, क्योंकि उस आपको पता है 250 आता है उसके अंदर में, तो उसी तरह डीसी को भी पकड़ो, डीसी भी खतरनाक ही होता है। तो कभी भी जिप से अपनी जबान से कभी भी मत उसको चाट के। तो एसी को हमको कंफर्म करना है तो एसी को 750 के अंदर रखो, क्योंकि हमारा करंट 250 आता है, तो 750 मोड में सेट करो।
और 750 में सेट करने के बाद में अपने बोर्ड में लगा के देखो तो आपको 250 के, क्योंकि अपना 250 आता ना, तो 750 में सेट करो तो आपको दिखा देंगे वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना, नहीं तो पता चल रहा है कि चार्जर में करंट ही नहीं आ रहा है और बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे की वीडियो में अपन जानेंगे और भी बहुत कुछ, और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहिए। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक से एडवांस वगैरह, मोबाइल के, लैपटॉप के, एलईडी टीवी के, ये सब के वीडियोस लाते रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।